आज हमारे इस व्लॉग का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। तो हमने सुबह का हमें ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम सुबह 10 बजे की चाय ब्रेकफास्ट हो गया ना, सुबह 10 बजे हम चाय पिए। हम उठे भी आज बहुत लेट, कल की थकावट थी ना। तो ये हमारा हो गया भोजन वजन सब कुछ। आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज हमारी इरफान साहब को रात को चूना लगा के चले गए। किस बार भाई चूना लगा के चले गए यार? वो मुझे मिलने चाहिए बस। क्या हुआ? क्या हेल्प के नाम पे धोखा और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे विश्वास ही उठ गया दुनिया से यार। ना सच्ची से मैं ही सीधा बंदा हूँ, बाकी सारी दुनिया बदमाश। चाय चाय, ये आधी चाय 2 रुपए की कप में देते हैं। चाय करने के बच्चे मुंह उतर गए, चुपड़े बन गए, इतने इतने करेंगे। एक काम करो, बड़ा वाला बॉयलर लगाओ इसको, उसमें चाय बना के दो, दरिया में इसको चाय बना के दो। सलाम, क्या बोलना चाहते हो? बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं लोगों ने। और तूने तारीफ कितनी की। साजिद आप शुक्रिया। मैं आपको अपनी बैटिंग दिखा देता हूँ। आय हाय, बस ट्रैकिंग की चाय का मजा कुछ और है। आज ही व्लॉगिंग बनाने में थोड़ी सी देर हो गई हमें, क्योंकि सुबह हम जब उठे थे तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी की, तकरीबन 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी की। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट जब पूरा कंप्लीट किया, अब हम अपने खाने की तैयारी करें। इसके बाद हमें फ़िश पॉइंट पे जाना है। तो आज हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत रेस्ट किया जाए, क्योंकि कल की वजह से जो कल का ट्रैक था वो बहुत लंबा ट्रैक हो गया था। तकरीबन हम 10:30 तकरीबन हम 14 किलोमीटर के आसपास गए होंगे चल के, वॉक करके। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रात को सिर दर्द, बुखार वगैरह हो गया। मेरे जितने भी बंदे थे वो भी बीमार हो गए, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। तो आज का, तो आज ऐसे भी संडे है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना आप थोड़ा सा हम रेस्ट कर लें। तो 1 बजे के बाद हम अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे 1 बजे के बाद हमारा फ़िशिंग पॉइंट होगा, फ़िशिंग पॉइंट वगैरह हम जाएंगे और देखते हैं थोड़ा सा अगर कुछ ट्रैक हुआ तो वो भी कर लेंगे। वैसे अगर जाएँ तो हमने सोनमर्ग जितना भी है वो हमने शूट कर लिया है। सोनमर्ग का एक ही कुछ पॉइंट रह गया है, वो फ़िशिंग पॉइंट रह चुका है हमारा। चले, कल का जो ट्रैक हुआ था हमारा, कल का जितना ट्रैक हुआ था वो सारा ये हुआ था हमारा। ये जो जितनी पहाड़ी है इस पे हम थे, लास्ट के एंड पे थे, लास्ट के इस एंड पे थे हम। ये कल का हमारा ट्रैक हुआ था। आप देखें आसपास कितने लोग हैं यहाँ पे, संडे की वजह से आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। बड़ा ही लुत्फ, बड़ा ही मज़ा। एक चीज़ है, पानी यहाँ का बहुत ठंडा है, ऐसे लगता है जैसे हमने डीप फ्रीजर से पानी निकाला हुआ हो। तो यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कुछ बाहर से भी आए हैं बस। हमने सोचा था आज हम रेस्ट करेंगे ना। हाँ, लगता है नहीं है रेस्ट करने का मूड है किसी भी बंदे नहीं। मुझे लगता है देख के, मुझे लगता है बस खाने के चक्कर में, उसके बाद हवा नहीं। हम थोड़ा सा करेंगे रेस्ट 1 बजे के बाद, हम जितनी भी अपनी व्लॉगिंग 1 बजे के बाद निकलेंगे इंशाल्लाह। 1 बजे के बाद हम निकलेंगे, तब तक मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे आज कुछ मौसम का कुछ लगता है, मतलब अच्छे हैं, खुशगवार, मतलब ऐसा रहना चाहिए फुल डे, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ही बारिश का इनका कुछ नहीं। वैसे प्रॉब्लम दोनों चीज़ों से नहीं है, ना धूप से है ना उससे, किसे पानी में चीज़ें अच्छी हैं। हाँ वैसे तो है अच्छी चीज़ें, मगर मतलब धूप भी होनी चाहिए, धूप भी चाहिए बंदे को, धूप चाहिए, मतलब मौसम ख़राब ही नहीं होना चाहिए, बारिश की फैसिलिटी हर चीज़ की है अपने पास। बस रात का क्या हुआ, रात का क्या सीन हुआ? रात का मतलब सर में दर्द बहुत ज़्यादा। जब हम वापस उतर रहे थे तो हमारे लग रहा था कि हमारे जो थाइस है वो है ही नहीं अपनी जगह पे। थाइस हमारे जो है लग रहा था कि हम 5-6 मिनट और चल पाएंगे, हम बैठ जाएंगे बस। हाँ बिल्कुल, 5-6 मतलब, फिर भी हौसला इतना था, कैंप तक पहुँचे, उसके बाद यहाँ पे आके बनाया खाया, करते करते 11 तो फिर भी बजे हमें, हाँ तकरीबन 12:30 हमने मतलब खा सा के फिनिश करके सोने की तैयारी में लग गए।
12:30 उसके बाद बस सुबह तक कोई होश नहीं था मुझे कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे सबसे ज़्यादा जो ट्रैक का सबसे ज़्यादा मज़ा जो था वो था वाटरफॉल में कुछ मतलब हमारा घर में मेन मकसद भी हम तभी निकले थे ना ग्लेशियर पे क्योंकि स्नो मिले हमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिले हरियाली ये वाला पानी तो हर जगह मिलता मतलब जो हमने कल देखा वो अलग था सबसे सबसे अलग। अब हमारे बंदे कह रहे हैं हमें आप बर्तन धोने हैं बर्तन धोने ब्लॉगिंग के साथ नहीं मिलेगा ब्लॉगिंग के साथ हमें बर्तन भी धोने हैं। आपको एक ट्रैक में सब कुछ करना है जो कुछ आपसे हो सकता है आपको अगर बर्तन धोने हैं सब कुछ धोना है आपको खाना बनाना है ट्रैकिंग में एक चीज़ है आप हर चीज़ सीखते हो। मतलब राइड इनके खून में मुझे समझ नहीं आता जिशान भाई मतलब हर चीज़ के शौकीन क्यों है हर चीज़ होनी चाहिए बैठे बैठे मूड बना राइड का बस ऐसे सुबह से बंदे हमारे लंच की तैयारी कर रहे हैं पर मसला ये है कि अभी तक हमारी लंच की तैयारी जो अभी तक नहीं हुई है। चलो देखते हैं अभी कहाँ हो रहा है हम अभी 2-3 बज चुके हैं अभी हमने कुछ नहीं खाया उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा हमारा खा पाएंगे कि नहीं खाएंगे। फाइनली हमारा जो है लंच की तैयारी हो चुकी है देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे। चलो क्या क्या बनाया हमने बनाया मीट बनाए और आलू बनाए और टमाटर जी और खाना बस चावल का कुछ मज़ा आया शुक्र अल्लाह का नेचर का अपना ही मज़ा होता है कहीं पर भी चले जाओ नेचर इंजॉय हो जाता है जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे खाने की फाइनली तैयारी पूरी हो चुकी है हमारे साजिद भैया ये हमारे आप तो इनको जानते हो यहाँ देखो अब कौन हो देखो हमारे जिशान भाई ये हमारे इरफान भैया ये जो क्या खाने की तैयारी पूरी करते हैं अब हम आपको खाने के बाद ठीक है तो बाय। अब हम जा रहे हैं फिश पॉइंट पे खाना बना हो गया हमारा सारा कुछ हो गया तो अब हम निकल रहे हैं फिश पॉइंट की ओर तो चलें हम आपको वहीं पे मिलेंगे और कुछ जो व्यूज़ वगैरह हैं वो हम आपको दिखा देंगे रोड कहीं पे जो भी अच्छा व्यू नज़र आएगा हमें कि जहाँ लगेगा कि हमें ये व्यू उठाने के काबिल है तो हम बहुत शॉट दिखा लेंगे। चलें चलते हैं मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। फाइनली जो मैं हूँ मैं इस वक्त फिश पॉइंट पे हूँ यहाँ पे बाइक आई थी तो हम फिश पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यह सिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी चिल्ड्रन फैमिली एंड पार्क मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ इसका बोर्ड लगा हुआ है ये सामने इसका बाहर वाला बोर्ड सामने आपको ये वाटरफॉल
जो फिश पॉइंट है, पानी वगैरह जितना भी है, ये सारा एरिया यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पीछे वाला जितना भी है ये हाईवे है, सुनमर्ग से आता है। इस फिश पॉइंट से एक पहाड़ भी नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत जैसा पहाड़ है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। टॉप पे हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो स्टॉप ट्रैकिंग करते करते यहाँ पहुँचेंगे, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ। ये सामने जितना भी है ये लद्दाख, ये जो हाईवे है लद्दाख की ओर जाता है। करगिल लद्दाख ले जोजिला का जोजिला भी यहीं से जाते हैं। और ये इसके जो सामने पहाड़ हैं इस फिश पॉइंट के, मैं चारों ओर, वैसे मैंने चार के चार एंगल ले लिए, इसके जितने भी एंगल थे वो मैंने सारे शूट कर लिए। अब मैं इसको एक घुमा रहा हूँ जगह पर। ये इसका लास्ट वाला, सो फाइनली हमने नहा भी लिया। ये अब हमारा लास्ट शॉट है ये जो का फिश पॉइंट का। इसके बाद हम अपने वापस अपने टेंट में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त का व्यू, जब किरणें पानी पे पड़ती हैं तो जैसे मोती चमक रहे हों। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मोतियों का एक लेक जैसी हो, इस वक्त ऐसा लग रहा है। अब देखो मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। एक छोटी छोटी सी हवा से एक लहरें जैसी बन रही हैं पानी की। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से जो है डायरेक्ट किरण जो हैं, किरणें हैं जो सूरज की हैं, वो डायरेक्ट पानी पे पड़ रही हैं। तो ऊपर से हवा ठंडी। और अभी है मेरा फिश पॉइंट जो मैं आया था, वो व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने पूरा जो पूरा का वो शूट वो भी ले लिया। हमारा जो फिश व्लॉग, जो फिश पॉइंट का जो व्लॉग था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं भी थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ये जो अभी तक जो ये सब कुछ कर रहा था, ये मैं व्लॉग के लिए कर रहा था। फाइनली हम वापस आ गए फिश पॉइंट से, हम वापस आ चुके हैं। हम कुछ चाय वाय का इंतज़ाम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया आज हमने। चलो देखते हैं क्या होगा। नदी के किनारे आके बैठा हूँ। रखिए अपना ख्याल, हम आपको मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बहुत ही ज़्यादा मज़ा नदी के सामने।